हेलो दोस्त, मेरा नाम है मंजीत। आज मैं लेकर आया हूँ नेस्कैफे के मशीन में जो पंप लगती है उसको कैसे रिपेयर करते हैं। कि देखते हैं कई बार जब जाते हैं हम तो पंप में फंस जाते हैं कि पंप चलता है बट पानी नहीं उठा पाता है। तो आप देखिए मशीन में जो है वो इस तरह के पंप लगते हैं। वैसे नेस्कैफे की मशीन में नहीं, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिसमें कि ऐसे पंप लगते हैं। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये चल रही है या फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो हम इसमें लगाते हैं एक बार प्लग, जैसे कि देख रहे हैं जैसे हम देखेंगे कि ये पंप ना वाइब्रेट कर रहा है। एक्चुअली में इसका ना जो कॉइल है वो ठीक है बट अंदर का जो स्प्रिंग है वो चल नहीं रहा। तो हम इसको आज ठीक करेंगे, वो कैसे करेंगे हैं बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए ये हमारा पंप सेक्शन है और ये सिर्फ कॉइल है। ये हो गया कॉइल, हम इसको रखेंगे साइड में। इसको हम खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक बना हुआ है। इसको हम दबाएंगे ऐसे करके और इन करके घुमा देंगे इसको। देखिए खुल गया ये दोस्तों। इसमें देखेंगे तो इसका स्प्रिंग टूटा हुआ है। ये देख सकते हैं स्प्रिंग टूटा हुआ है, इसकी वजह से नहीं चल रहा। तो इस पर हमको मतलब अगर इसमें अलग से आता है ये चीज़ें ये सेक्शन, तो इस कॉइल में आप ये सेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप पूरा ये चेंज कर दो कि पंप कहीं पर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपका भी कॉस्ट आएगा और कस्टमर का भी कॉस्ट आ जाएगा, इसलिए आप ये पार्ट निकाल के चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पंप। सेम यही पंप है, वही है, सेम वही पंप है बट इसका जो है ना ये अलग से लगाया जाता है। ये भी चेक कर लेते हैं। देख सकते पंप के वो स्प्रिंग की दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं ये ख़राब है। मैं इसको अब मैंने बताया था भी कि हम डालेंगे अलग से, तो
कई बार होते हैं कि हम कई जगह पंप चेंज करते हैं, तो वहाँ से हम ये मस्त पंप छोड़ देते हैं वहाँ, तो छोड़ना नहीं है वैसे। कब ले आएंगे तो अक्सर यही नहीं होता कि हमारे साथ कोयल ही ख़राब हो, होता है कई बार ये ख़राब होता है, कई बार कोयल हमारा सही होता है। तो एक दूसरे में कि मेरे पास ये वाला पंप है, ये देख सकते हैं आप सेम, और मेरे पास ये वाला भी पंप है सेम, इसका हम ये लगाएंगे इसमें। जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं ये कि चल नहीं रहा, मैंने आपको भी दिखाया था ये पंप ख़राब हो रहा है। देखेंगे चल नहीं रहा ये, मतलब इसका जो है अंदर का वो ख़राब है तो चल नहीं रहा बिल्कुल। और मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा आपको, ये ऐसे ही मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया है, ये मैंने निकाल दिया है, ये मैंने इसमें लगा दिया है। बस जब तक हम पेज टाइट नहीं करेंगे ना तो थोड़ा मतलब चलेगा नहीं, ये बाहर फेंक देगा। ये पंप बहुत असर देता है ये। हमें वही पंप है ये रास्ती है, मैं चलाता हूँ इसको, देखते हैं। तो कर ही लिया है, और हम दोस्तों ये करेंगे, अगर मेरा वीडियो सही लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि आप जैसे कई सारे दोस्त हैं जिनको कि समझ में आए कि हमारा जो बचा हुआ मतलब पंप जो होता है वो वेस्टेज जाता है, कई बार होता है इसका कॉयल मतलब ठीक होता है, हम इसे फेंक देते हैं, इसमें अपना भी नुकसान होता है, कस्टमर का भी नुकसान होता है। तो वैसा नहीं करना, आपको मार्केट में ये मिल जाएगा, बट इसके जो स्प्रिंग मैंने बताया है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। जो मैंने इसकी स्प्रिंग बता रहा हूँ कि ये कटा हुआ है, देख सकते हैं ये आप, ये जो स्प्रिंग है टूटा हुआ है, ये जो है ये इसमें लगेगा नहीं, ये काफ़ी लंबा होता है ये। अगर बोलेंगे आप तो मैं इसका खोल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए इसमें स्प्रिंग कितना बड़ा है, देख सकते हो आप, इसमें जो स्प्रिंग है वो टूटा हुआ है, देख सकते हैं ना तो दोस्त। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्त शेयर करना ना भूले, ताकि आप जैसे कई सारे जितने हमारे भाई हैं उनके तक भी वीडियो पहुँचे, ताकि वो भी अपना काम में कभी फंसे ना, प्रॉब्लम ना हो उनको। वापस मैं इसको इसमें लगा देता हूँ, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं इस पंप को। वैसे अगर पूरे पंप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, सिर्फ इसका स्पेयर पार्ट खरीदेंगे वाला तो आपको काफ़ी कॉस्ट कम पड़ेगा। और हाँ एक और मैं बता दें, इन्फिनिटी का पंप है, देख सकते हैं आप, इसके कॉइल में जीरो कंप्लेंट है, जो कि ये 0% ख़राब होता है। ये आपको जो ख़राब मिलेगा वो यही चीज़ होता है, इनके वजह से स्प्रिंग टूट जाता है, कई बार ये चलता नहीं है तो हम कहते हैं कि पंप ख़राब हो गया, बट किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना है। और जिसको भी दिक्कत आए पंप करने में या समझ में नहीं आया, या फिर पंप चल रहा हो फिर प्रेशर नहीं बना रहा हो, तो कृपया मुझे कॉल ज़रूर करें, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। Thank you.